आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 5 वेक्टर रिलेशन से. ठीक है, तो देखिए थ्योरम में क्या बोला है. सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. लेट ए ए बार एंड बी बी बार बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर आर बार बी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन. देन आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन. मतलब आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. मतलब एक पॉइंट है, कंसीडर कर लो आर, वो लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एम इज टू एन. ठीक है, तो दोस्तों हमें शो क्या करना है, आर बार इज इक्वल टू एम इंटू बी बार प्लस एन इंटू ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन. तो देखिए थ्योरम में क्या बोला है कि जो पॉइंट आर है वो लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली इंटरनली से जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है. देखिए ए बी को अंदर से डिवाइड कर रहा है और रेशो कौन से रेशो में, एम इज टू एन. ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें लिख सकते हैं प्रूफ में एस आर डिवाइड्स ए बी, दैट इज इसको ऐसा लिख सकते ए आर बी इन द रेशियो इन दी रेशियो एम इज टू एन. ठीक है दोस्तों, देयर फोर हम बोल सकते ए आर बाय आर बी, देयर फोर ए आर बाय आर बी इज इक्वल टू दोस्तों एम बाय एन हम लिख सकते. देखिए ए आर क्या था, ए आर एम और आर बी एन दोस्तों. तो हमें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू ए आर इज इक्वल टू एम इंटू आर बी. देखिए दोस्तों एन ए आर के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू एम आर बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया. अब देखिए दोस्तों ए आर और आर बी की जो डायरेक्शन है वो सेम है, मींस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए आर एंड आर बी इज सेम. हियर एज द डायरेक्शन ऑफ ए आर वेक्टर एंड आर बी वेक्टर इज सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. द डायरेक्शन यहां एक पॉइंट एड कर देते हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार एंड आर बी बार इज सेम. देखिए दोस्तों ए आर भी सेम डायरेक्शन में और आर बी भी सेम डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एन इंटू ए आर की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों ए आर बार इज इक्वल टू एम इन टू आर बी बार. क्यों लिख सकते हैं दोस्तों ए आर की जगह ए आर बार और एम आर बी की जगह आर बी बार, क्योंकि ए आर और आर बी दोनों वेक्टर जो है दोनों सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमें पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से ए आर बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे ए बी बार निकालना हो तो हम क्या करते हैं बी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर, ये फॉर्मूला है. ठीक है, उसी हिसाब से हमने ए आर बार इज इक्वल टू लिखे आर बार मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस ए बार पोजिशन वेक्टर ऑफ इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों आर बी बार मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ आर मीन्स बी बार माइनस आर बार. अब देखिए दोस्तों इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एन इंटू आर बार माइनस एन इंटू ए बार इज इक्वल टू, इधर भी सेम दोस्तों एम इंटू बी बार माइनस एम इंटू आर बार. अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, ये आर वाले एक साइड डालेंगे और बी वाले एक साइड डालेंगे. तो देखिए दोस्तों ये आर वाला एन आर बार इधर है इज इक्वल टू के राइट साइड में माइनस एम आर बार है, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा एन आर बार इट इज माइनस एम आर बार, जब इज इक्वल टू के लेफ्ट में आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस एम आर बार इज इक्वल टू. अब इधर दोस्तों राइट हैंड साइड में बच गया एम बी बार, अब क्या करेंगे दोस्तों माइनस एन ए बार इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में था हमसे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस एन ए बार. देखिए दोस्तों फिर क्या होगा दोस्तों समझ में आ ही गया होगा आपको, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस इसमें क्या किया माइनस एम आर बार को इज इक्वल टू के राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में लेकर आए तो माइनस का प्लस हो गया, और माइनस एन ए बार इज इक्वल टू के लेफ्ट में था तो उसे हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया. ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें, आर बार दिख रहा है. ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम दोस्तों आर बार कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या एन प्लस एम,
जिसे हम m प्लस एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो बात एक ही होती है इज इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो एज इट इज हम दोनों को जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों m प्लस एन आर बार के मल्टीप्लाई में हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो चलेगा डिवाइड में, ठीक है दोस्तों, तो यहां हमें मिलेगा देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन। तो देखिए दोस्तों जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार इज डिवाइड बाय एम प्लस वन, वो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, थैंक यू।